सोशल मीडिया पर दो संदर्भों की पोस्टें बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर रही है। देश की संसद में, पवित्र संसद में, अगर कोई संसद सदस्य इस देश के किसी भी धर्म के लोगों की परंपराओं का मजाक उड़ाते हों, और सबसे बड़ी बात, अगर वो समाज अल्पसंख्यक हो, और उसकी परंपरा का मजाक एक माननीय संसद सदस्य उड़ाती हो, इसकी वजह क्या हो सकती है? ये बात बिल्कुल सही है कि देश की पवित्र संसद में, जहां देश के तमाम मुद्दों का विश्लेषण होता है, जनता की समस्याओं की बात उठनी चाहिए, वहां अगर जैन धर्म की परंपरा का मजाक उड़ाने जैसी बात हो तो बात बहुत गंभीर होती है। और सिर्फ कुछ पत्र मंत्री जी को देने से, लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत करने से, अगर माफी मांग भी लें तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई परमानेंट समाधान है। हमारे लिए समझने की बात यह है कि किसी भी संसद सदस्य की, जनप्रतिनिधि की यह हिम्मत कैसे होती है? आखिर उन्हें यह हिम्मत देता क्यों है? और उस समाज के लिए, जो समाज संख्या में चाहे कम है लेकिन देश को देने में अपनी योग्यता से, अपनी प्रतिभा से, अपने अर्थ से, अपने श्रम से, अपनी नीतियों से, उसका स्थान बहुत ऊपर है। सबसे ज्यादा टैक्स पेयर जैन समाज, लेकिन इस समाज को कमजोर समझा गया है, और समझा नहीं गया, इस समाज ने खुद को, अपने आप को कमजोर बताया है। ये बार बार अहिंसा की बातें बतानी, अहिंसा की बात करनी, हम तो शांति प्रिय हैं, हम तो अहिंसा प्रिय हैं। तो जब आप शांति प्रिय हो, जब आप अहिंसा प्रिय हो, तो फिर चुप रहो, और वैसे भी आप चुप ही हो। आपने कुछ पत्र दिए हैं, सोशल मीडिया में चर्चाएं की हैं, सांसद महुआ मित्रा ने जिस तरह का बयान दिया, जो सोशल मीडिया में खबरें आ रही है, वो बयान कल कोई और भी दे सकता है, लेकिन हमारे समाज के संतों को, मनीषियों को चेतने की जरूरत है। यह बयान इसलिए दिए जाते हैं कि हमारे समाज के संत मनीषी सिर्फ पाखंडों और आडंबरों से घिरे हुए हैं, और हमारी समाज की एक बहुत बड़ी भीड़ अंधी श्रद्धा, अंधी आस्था की शिकार हो गई है। हमें यह बताना होगा कि जैन समाज अहिंसा प्रिय है, यह सच है। हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते, हम शांति में विश्वास रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि बात अगर परंपरा पर आ जाए, बात अगर मर्यादा पर आ जाए, बात अगर सम्मान और स्वाभिमान पर आ जाए, तो हम हाथ जोड़े ही खड़े रहेंगे। यह नहीं बताया जाता, यह संदेश नहीं दिया जाता। आंदोलन करने की बात कोई नहीं करता, सिर्फ पत्र देकर के निवेदन होते हैं, और जो कोई क्रांतिकारी भाषा में बोलने की कोशिश करता है, यह समाज उनका साथ नहीं देता।
पीछे हट जाता है। किसी भी समाज पर कोई जनप्रतिनिधि कोई टिप्पणी करता है, ये गलत है, गलत है, गलत है। संसद को संज्ञान में लेना चाहिए। संसद के जो अध्यक्ष हैं, सभापति जी हैं, उनको संज्ञान में लेना चाहिए। अल्पसंख्यक जो मंत्री हैं, उनको संज्ञान में लेना चाहिए। लेकिन मसला सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता। ये बातें उनकी हैं, उनको क्या करना चाहिए, लेकिन हमको क्या करना चाहिए ये कभी हमने नहीं सोचा। जब एक खबर में पढ़ रहा था, उसके साथ एक क्लिप देखी मैंने YouTube पर कि 27-28 या 29 साल के एक जैन युवक, मध्य प्रदेश में शायद सागर की घटना, उसके घर के सामने शराब की दुकान थी, उसने उसका विरोध किया और उसका अंजाम ये हुआ कि उन लड़कों ने उनको धमकाया घर पे आकर के, और पुलिस ने भी उस युवक की नहीं सुनी, उसका उत्पीड़न हुआ, उसे बताया गया कि जेल में डालने की धमकी दी गई और उस युवक ने लाचार होकर के, बताया जाता है कि खुदकुशी कर ली। ये हमारे तमाम जितने जैन संगठन हैं, सरकार से प्रदत्त या सरकार से संपर्क रखने वाले, क्या ये इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? आपके समाज का अगर कोई युवा लाचारी में अपनी जिंदगी छोड़ रहा है, क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि उसे कहीं लगा नहीं है कि उसके समाज का कोई अंश, कोई बल उसे मिलेगा। हम सिर्फ आडंबर और पाखंडों में हैं, हम सिर्फ अपने नाम की रेस में हैं, हम सिर्फ मंदिर दर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में हैं, जो पिछले हमारे मंदिर हैं उनकी उनकी सहज देखभाल उसमें ध्यान कम है। हम अपने समाज के लोगों के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। मैं कुछ अपवादों को छोड़ करके बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि सारे ही लोग ऐसे हैं, कुछ अपवाद जरूर अच्छे हैं, लेकिन वो गिनती के हैं और उनकी कितनी चलेगी। और सबसे बड़े दोषी इस समाज को निर्बल बनाने में, इस समाज को आडंबर और पाखंड में धकेलने के लिए, इस समाज को भीरू बनाने के लिए कौन है? अगर इसका मूल्यांकन अगर अब भी आप नहीं कीजिएगा, तो बहुत सारे सवाल आएंगे। हमें इस बात को भी मानना चाहिए कि आज के युवाओं में, जैन परंपरा की बात छोड़िए, मध्य मांस का सेवन बढ़ा है। और मैंने सोशल मीडिया में एक रिपोर्ट देखी थी, किसी तीर्थ पर, धार्मिक तीर्थ पर, जैन तीर्थ पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई है। मैं ये मानता हूं कि कुछ लोगों की गलतियों को देख करके पूरे समाज को गुनाह के कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं, हमारे जैन संत आचार्य कर क्या रहे हैं? उनको ढोल नगाड़ों से प्रवेश चाहिए, उनको पदवियां उपाधियां चाहिए, उनको सुविधाएं चाहिए, उनको नाम यश की गाथा चाहिए, उनको अपने पीछे अंधभक्तों की भीड़ चाहिए, उनको स्थानक बनाने वाले, भवन बनाने वाले, मंदिर बनाने वाले समृद्ध श्रावक चाहिए, बाकी की जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं। महुआ मित्रा जी के इस बयान पर आपत्ति लाख है, लेकिन उसके साथ साथ दो तीन अंगुलियां हम पर भी उठ रही है। हमारी धारा किधर जा रही है? हमको हमारे संत महात्मा किधर लेके जा रहे हैं? पोस्ट मेरे पास आ गई थी,
लेकिन मेरे मन में यही विचार चल रहा था कि मैं महुआ मित्रा पर जी बोल बोलूं या मैं अपने ही समाज के उन लोगों पर बोलूं जिनके पास मार्गदर्शन की जिम्मेदारी है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि धर्म को दुकानें बना दिया गया है, संप्रदायवाद का विस्तार हो रहा है, हम परंपरा और मर्यादा की लीक से हट रहे हैं। हमें पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, हमें समृद्धि चाहिए, और जो हमको समृद्धि देता है उस आदमी में चाहे लाख अवगुण हो, हम उसकी भी प्रशंसा करने के लिए मजबूर हैं। और अगर हमने अपना रंग ढंग नहीं बदला तो और भी लोग हमारी परंपरा और मर्यादाओं पर बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे, और भी युवा जो चुपचाप सहन नहीं कर सकेंगे वो इस दुनिया से अलविदा हो जाएंगे। लेकिन इस पाप का जिम्मेदार कौन होगा? जैन समाज को इसके बारे में सोचना होगा। नित नए संगठन, नित नई संस्थाएं, नित नए पदाधिकारी बनाने से समाज नहीं चलता। समाज चलता है उसूलों और सिद्धांतों के साथ। अनुशासन की डोर कितनी रह गई है इस पर हमें सोचना होगा। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी किनकी है इस पर सोचना होगा और उन पर बोलना होगा। अगर हमने अपने घर को ठीक कर लिया अगर हमने अपने बोलने का अंदाज ठीक कर लिया, अपना व्यवहार ठीक कर लिया, तो सच कहता हूं आपके खिलाफ कोई कुछ बोलने से पहले हजार बार सोचेगा। लेकिन हम तो अहिंसा वाले हैं, हम तो शांति वाले हैं, हाथ जोड़कर हम खड़े रहते हैं। आपको यह भी बताना होगा कि बेशक हम हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, हम शांति वाले हैं, लेकिन वक्त जब क्रांति की बात करता है तो फिर हम क्रांति भी खतरनाक करते हैं। बेशक हम संख्या बल में कम हैं, लेकिन हमें अधिक संख्या की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शेरों की संख्या बहुत अधिक नहीं हुआ करती। हमें यह कहना नहीं आता, हमें यह बताना नहीं आता, और शायद इसलिए लोग हम पर जो चाहे कह जाते हैं। मुझे इस बात का आश्चर्य होगा, अगर महुआ मित्रा जी की हुई टिप्पणी सदन के रिकॉर्ड में अभी भी होगी, मुझे इस बात का भी आश्चर्य होगा अगर हमारी संसद के सभापति महोदय ने उन्हें रोका या टोका नहीं होगा, क्योंकि सदन में जो कुछ भी हुआ उस कार्रवाई से मैं अनभिज्ञ हूं, इसलिए मैं उस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आपके पत्र जाने से, आपका निवेदन जाने से अगर माफी मांग ली जाए, सदन से वो वाक्य रिकॉर्ड से हट जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये पहले होना चाहिए था, हमारे बिना बोले होना चाहिए था, ये क्यों नहीं हुआ? आवाज इस पर उठनी चाहिए। गलती करने वाले ने गलती की, लेकिन जो मास्टर की कुर्सी पर बैठे थे उन्होंने उस वक्त बेंत क्यों नहीं उठाई? हमें इस पर बोलना चाहिए और हमें अपने समाज को देखना चाहिए कि हमारे समाज में चल क्या रहा है। धार्मिक क्षेत्रों में जुड़े लोग
शराब का सेवन कर रहे हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ये फिर बता दे, लेकिन इनकी भी एक संख्या अच्छी है। और खाने में भी जो मर्यादा है उसका भी हरण हो रहा है। मैं खुले शब्दों में नहीं कहना चाहता, यह जिम्मेदारी किसकी है। अब इस पर बात होनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम विषय के साथ मैं न्याय कर पाया हूं या नहीं, या जैन समाज, मेरा अपना समाज, मुझसे जो अपेक्षा रखता है मैं वो बोल पाया हूं या नहीं, लेकिन मैंने वो बात बोली है जो मेरे मन ने कही है और जो मेरे मन की पीड़ा है। और मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों की वो बात पीड़ा होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।